पीएम मोदी ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर दी शुभकामनाएं। बोले, भारत ने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में किया प्रवेश। उत्तरकाशी के टनल में 100 घंटे से फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने थाईलैंड की कंपनी से मांगी मदद। आज शाम तक सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने की है उम्मीद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का आज गोमती नगर के भैंसाकुंड में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं के आने की उम्मीद। यूपी के खिलाड़ियों का सीएम योगी का तोहफा। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट इंजरी विभाग खुलवाने का किया ऐलान। पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी में 1 अप्रैल 2005 से पहले भर्ती होने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को दी जाएगी पुरानी पेंशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के इटावा में देर रात वैशाली एक्सप्रेस के कोच में लगी आग। 19 यात्री हुए बुरी तरह जख्मी। 11 लोगों की हालत गंभीर। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब प्रयागराज से लखनऊ होकर गोरखपुर के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को होगी सहूलियतें। लखनऊ में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। लिखित परीक्षा में 12,600 से अधिक अभ्यर्थी हुए पास। साथ ही महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती 27 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए 6 वैज्ञानिकों को इंफोसिस पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 13 जनवरी को होंगे पुरस्कृत। विजेताओं में IIT कानपुर के 2 वैज्ञानिक के नाम भी हैं शामिल।